वाल्मीकि समाज ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अयोध्या से आए अक्षत व निमंत्रण पत्र के लिए कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा हंसनगर खेड़े से चलकर चीकानगर खेड़े से होते हुए रास्ते में बहरली माता गली रविदास मंदिर होते हुए वाल्मीकि मंदिर तक निकाली गई, जिसमें सभी राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। परमानंद गोयल ने इस अक्षत यात्रा में पहुंचकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई। वाल्मीकि समाज के प्रधान शैलेंद्र वाल्मीकि को अक्षत वाला कलश सौंप कर अक्षत यात्रा की शुरुआत की गई। ये जो कलश यात्रा है ये अयोध्या से जो पूजित होकर चावल ये कलश आया है उसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये पूरा वाल्मीकि समाज आज यहाँ पर इकट्ठा होकर इस कलश का स्वागत कर रहा है और यह परिक्रमा चीका गांव दादाखेड़ा से होते हुए वाल्मीकि मंदिर तक जाएगी और इस प्रकार की ये कलश यात्रा है पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि पूरा वाल्मीकि समाज जिन्होंने रामायण की रचना की और राम जी के होने से पहले ही रामायण को लिख दिया था, ऐसे महर्षि वाल्मीकि का पूरा समाज और यह स्थान में लगा हुआ है बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ। और ये जो शोभा यात्रा है यहाँ होते हुए वाल्मीकि मंदिर में पहुँचेगी इस प्रकार का, और यहाँ कल को एक दो दिन बाद इस समाज के द्वारा प्रभात फेरी भी यहाँ पर रखी गई है और 22 तारीख को एक विशाल वाल्मीकि मंदिर में भंडारे का आयोजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस प्रकार से यह शोभा यात्रा है। गुला चिका से ओपी सैनी की रिपोर्ट, देखते रहे अजीत समाचार वेब टीवी।